लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, आपके बच्चे के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको क्या करना चाहिए। हमारा पूरा वीडियो देखिएगा और हम इस चैनल पे हर रोज़ सुबह 9 बजे एक नया वीडियो लोड कर रहे हैं, तो देखने ना भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन की बेल आइकॉन की आप बेल बजा दें, इससे सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। खासकर ये कैल्शियम बच्चों के लिए काफ़ी अहम होता है क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत होती हैं, ऐसे में उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो उनको कई तरह की समस्या हो सकती है। अगर आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्थिति को हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं। बच्चों को जितनी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बच्चों को कितनी मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि बच्चों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम के साथ ही अन्य रोचक तत्व की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जानकारी के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चों को रोज़ाना करीब 700 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वहीं 4 से 8 साल के बच्चों को 1000 मिलीग्राम व 9 से बड़े बच्चों को 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। बच्चों के कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर कारण उनकी माँ और जन्म की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनका पैदा होते समय वजन बहुत कम होता है, उनको कैल्शियम की कमी हो सकती है। ऐसा उनके पैराथायराइड ग्लैंड के कम विकसित होने की वजह से होता है। जिन बच्चों की माँ को डिलीवरी के समय डायबिटीज़ की समस्या होती है उन बच्चों में कैल्शियम की कमी देखी जा सकती है। यदि बच्चे को विटामिन डी की कमी हो गई है तो उसे उसके कैल्शियम की कमी का पूरा कारण बन सकता है। कई बार कुछ दवाओं के प्रभाव व खून में मैग्नीशियम के संतुलन में गड़बड़ी से भी बच्चों की ये समस्या हो सकती है। जीजॉर्ज सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इस स्थिति में भी बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बच्चे के कैल्शियम लेवल को जानने के लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। यदि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो आप आगे बताए गए हमारे उपाय आप कर सकते हैं जिनसे बच्चों को फायदा होगा। बच्चे को ऐसा आहार दें जिनमें कैल्शियम की उच्च मात्रा हो। डॉक्टर की सलाह पर बच्चे को कैल्शियम की सप्लीमेंट दवाएं दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन आप कोई बोले क्या देने हैं वो दवाई आपको नहीं देनी है। डॉक्टर के बिना पूछे कोई भी दवाई बच्चे को ना दें। अगर आपके बच्चे के जन्म के कुछ दिनों में ही कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर नर्सरी पर रखकर इलाज करा सकते हैं। यदि बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे धूप में बैठाएं, इससे कैल्शियम के लेवल में सुधार होगा। आजकल बहुत जगह सर्दी का सीजन चालू हो गया है तो जहाँ पे धूप नहीं आती है तो घर से बाहर निकल के या घर की छत पे आप बच्चे को आराम से लेटा सकते हैं। वहाँ पे जब बच्चा लेटेगा उसको धूप मिलेगी तो कैल्शियम की कमी पूरी होने की संभावना रहती है। अगर बच्चा खाना खाता है तो उसे डाइट में बादाम, सफ़ेद तिल, दही, दूध, पनीर, आलू बुखारा आदि को उसके खाने में नाश्ते में शामिल करें।
तो ये था आज का हमारा वीडियो, बच्चों के अंदर जो कमी होती है कैल्शियम की, वो कैसे दूर करें। ये वीडियो मेरा आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल हम एक नए वीडियो के साथ वापस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।